आदिकाल से इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियनों का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रति दावे तरह तरह के रहे हैं। कभी किसी अज्ञात उड़न तक्षरी देखने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। ये सब बात तो दावे और प्रति दावे की हो रही है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम अब तक एलियन से क्यों नहीं मिले? शायद हो सकता है कि वो आज भी धरती पर आते हो फिर चले जाते हो, या शायद कुछ और रीजन। लेकिन जो भी रीजन हो, फैक्ट तो यही है कि हम आज तक एलियन से नहीं मिले हैं। शायद एलियंस हो ही नहीं, शायद ये चीज हो सकती है कि इस गैलेक्सी में सैकड़ों अरबों सितारों और 40 अरब पृथ्वी के आकार के ग्रहों के साथ रहने योग्य प्लैनेट्स में से शायद हम अकेले ही हो। शायद हमारे अलावा और कोई भी बुद्धिमान जीवन नहीं है। ये निश्चित रूप से माना जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान के रूप में गिना जाता है। शायद दूसरे प्लैनेट पर लाइफ हो, लेकिन शायद वहाँ न बोलने वाले जानवर हो, या फिर शायद इंसानों जितने बुद्धिमान लोग वहाँ पर नहीं हो। एलियंस के लिए ब्रह्मांड एक घातक जगह हो। शायद दूसरे प्लैनेट के लोग हमारे ही जितने इंटेलिजेंट हो, या फिर हमसे भी ज्यादा, लेकिन वो शायद हमारे प्लैनेट पे आने का रिस्क न लेना चाहते हो। अगर आपको ये लगता है कि दूसरे प्लैनेट के लोग बहुत एडवांस हैं, तो उन्हें क्या रिस्क हो सकता है, तो हम आपको बता देते हैं कि कोई भी कितना भी एडवांस हो जाए, ब्रह्मांड एक बेहद डेंजरस जगह हो सकती है किसी के भी लिए। हमारे तक पहुँचने के लिए उन लोगों को कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बड़े बड़े ब्लैक होल्स, क्षुद्र ग्रह बेल्ट्स, सुपरनोवा गामा रे बर्स्ट और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में। शायद ये भी हो सकता है कि हम सही जगह एलियंस को नहीं ढूंढ रहे हो। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अंतरिक्ष बड़ा है, इसलिए एलियंस के संकेतों को सुनने के लिए कई जगहें हैं। अगर हम उस दिशा में नहीं सुन रहे हैं जहां से सिग्नल भेजे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें एलियंस कभी भी ना मिले। जैसे कि एंड्रयू फेन ने यूनिवर्स टुडे में समझाया, ये आपके मित्र के साथ 250 बिलियन चैनल सीबी रेडियो पर बात करने की कोशिश जैसा है, बिन किसी भी ज्ञान के जिस पर वे संचार कर रहे हैं। शायद एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे कई ज्यादा एडवांस हो। रेडियो टेक्नोलॉजी पृथ्वी पे आम हो सकती है, लेकिन एलियन सोसाइटी ने और भी एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रखी हो, इसलिए हम उन तक या वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि एलियंस पहले से ही यहाँ पर है और हमें पता ही नहीं हो। साजिश सिद्धांतवादी का ये एक्सप्लेनेशन बहुत मशहूर है। ये संभव नहीं है कि सरकारी एजेंसीज एलियंस की उपस्थिति को छुपा रही है, बल्कि ये अधिक संभावना है कि एलियंस पहले से ही हमारे बीच है और वो अपनी पहचान हमसे छुपा रहे हो और हमारे बीच रह के हमें स्टडी कर रहे हो। इस वीडियो में जो हमने आपको बताए, वो तो एलियंस के न मिलने के कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं, जो शायद हमें भी ना पता हो। शायद आने वाले कुछ सालों में हम एक्चुअली एलियन से मिल ले, तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हम कभी भी एलियन से ना मिल पाए। खैर, जो भी हो, समय आने पर पता लग ही जाएगा। एलियंस के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।